बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ म्यूनिक एयरपोर्ट पे और हम लोग जा रहे हैं इजिप्ट शर्म अल शेख की तरफ। तो इंशाल्लाह आपको साथ साथ बताते रहेंगे, जगह भी बताएंगे और अपना एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ साथ शेयर करते रहेंगे। यार, वीडियो क्वालिटी शायद फिर से बेहतर ना हो क्योंकि मैंने कैमरा चेंज करना था अपना फ़ोन और वो मैंने अभी तक किया नहीं है, तो वो भी करूँगा इंशाल्लाह। तो इसके साथ साथ भाई, मौसम यहाँ पर बड़ा मज़े का है और आपको क्लोन का तो नहीं, सॉरी, म्यूनिक का एयरपोर्ट दिखाते हैं कि एयरपोर्ट में क्या क्या है। बहुत मज़े का यार, मतलब मुझे तो एयरपोर्ट भी काफ़ी अच्छा लगा। और इसके अलावा आपके साथ फ़्लाइट का जो कुछ था सब कुछ शेयर करेंगे। और ये तो पूछेंगे भाई जा रहा क्यों? जा रहा भाई मैं वर्ल्ड यूथ फोरम में सेलेक्ट हुआ, तो थोड़ा सा आयाशी हो जाएगी, थोड़े से चक्कर हो जाएंगे, थोड़ी सी मौज हो जाएगी। तो इतना आसान नहीं होता सेलेक्ट होना, लेकिन एक्सपीरियंस हो जाए आपका, आपको पता चल जाए क्या हिसाब है क्या किताब है, तो फिर आप अच्छे से सेलेक्ट भी हो जाते हैं। और मज़े की बात मैं आप लोगों को बताऊं कि यार, वहाँ पर जो आप लोगों की एकोमोडेशन होती है ना, वो बड़ी क्लास की होती है भाई। मतलब 7 स्टार होटल आप ले लें, 5 स्टार होटल आप ले लें, खाना पीना, और आपको इवन वो वाली बात है कि आपको ड्राइवर भी देते हैं, भाई ये लें अगर छोटा छोटा कहीं जाना है आना है तो ड्राइवर में के साथ आएँ जाएँ घूमें फिरें। तो अल्हम्दुलिल्लाह अपॉर्चुनिटी मिली है तो मैंने क्या अवेल करते हैं। वैसे भी जर्मनी में तो धूप निकल रही नहीं है, आप पीछे मौसम देख सकते हैं, तो मैंने कहा कि ये यहाँ पर वहाँ पर थोड़ा सा धूप सूट इंजॉय कर लेंगे और धूप के साथ साथ वहाँ पर थोड़ा सा समंदर की भी मौज ले लेंगे और भी काफ़ी बहुत कुछ होगा, बहुत मज़े होंगे। तो हमारे साथ रहिए, आपको सारा व्लॉग में सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता मिलता रहेगा। अच्छा जी, तो ये एयरपोर्ट है क्लोन का, म्यूनिक का, फिर मैं क्लोन कह रहा हूँ, असल में मेरी क्लोन सी फ्लाइट थी यहाँ पे। ये देखें जी, ये रिलैक्स लाउंज है, स्लीपिंग लाउंज है, आराम सुकून से आएँ, बैठें, लेटें, सुकून करें, कोई टेंशन की बात ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसके साथ साथ आप लोगों को आगे भी दिखाते हैं, आगे भी बड़ी मज़े मज़े की जगह। ये देखें, ये साथ लिखा हुआ है भाई, सोना है, उठना है, जागना है, जो दिल चाहता है करो, कोई टेंशन की बात ही नहीं है, ठीक है ना। इजिप्ट पहुंच गए हैं और अभी मैं आप लोगों को इधर का व्यू भी बताता हूं, इधर का एयरपोर्ट भी दिखाता हूं। रश कम है लेकिन काफ़ी अच्छा एयरपोर्ट है और काफ़ी सपोर्टिंग लोग हैं, मतलब काफ़ी सारी हेल्प की है इन्होंने मेरी, मतलब इधर चले जाओ, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, तो मतलब सब कुछ बड़ा आसानी से हो गया। मतलब आप अगर सच पूछें तो मेरे पास वीज़ा नहीं था, मैं आ गया हूँ, ठीक है, मेरे पास PCR टेस्ट नहीं था, मैं आ गया हूँ, वरना इन चीज़ों पर बड़ी प्रॉब्लम बनाते हैं, तो शुक्र है प्रॉब्लम नहीं हुई। और ये मेरे साथ कुछ पार्टिसिपेंट हैं, ये बेचारे बड़े टाइम से घूम रहे हैं लेकिन इन्हें रास्ता नहीं मिल रहा, तो मैंने कहा भाई तुम लोग घूमो, हमारे लिए रास्ते तो अल्लाह ढूंढता है, ठीक है। तो इसके अलावा मैं आप लोगों को यहाँ पर ये भी दिखाता हूँ कि ये यहाँ का एयरपोर्ट कैसा है, ठीक है। शर्म अल शेख भी विज़िट कराएँगे, अभी काफ़ी रात हो गई है, फिर आपको अपना साथ साथ सारी अपडेट देते रहेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। अच्छा जी, मैं इसको अपनी, मतलब मैं खुद लेजी हूँ या मैं खुद ज़िम्मेवार नहीं हूँ या मैं ज़िम्मेवारी नहीं ले रहा, मुझे नहीं पता, आप इसे जिस तरह कहेंगे, ठीक है। लेकिन ये इजिप्ट में थोड़ी पाकिस्तान वाली फील आ रही है, क्यों? क्योंकि भाई इतना मतलब नरम माहौल है, इतनी कोई सख्त टेंशन नहीं है। जर्मनी में तो जी उन्होंने क़यामत मचाई हुई है, कोरोना वायरस आ गया है और पता नहीं दुनिया ख़त्म होने वाली है और पता नहीं क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा, यहाँ पर चिल जीने भाई, मास्क उतारा हुआ है और फिर रहे हैं, कोई मसला ही नहीं है, समझ रहे हैं बात को। इसके अलावा भाई सामने बैठी हुई है सारी पार्टी, उसकी तरफ जाते हैं और चेक करते हैं कि क्या सीन है, और शर्म अल शेख से वहाँ पर पहुँच के इंशाल्लाह फिर आप लोगों को अपडेट करते हैं। अच्छा जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग शर्म अल शेख पहुँच गए हैं और आप लोगों को एक अपडेट देता चलूँ कि जब हम लोग पेशावर जाते हैं, इस्लामाबाद जाते हैं, कराची जाते हैं, तो हमारी आवाम को जी लोग बुरा भला कहते हैं कि जी जहाज़ रुका नहीं और सब खड़े हो गए हैं, गलत है। मैं बोलता हूँ जी कि ये गलत है, नहीं होना चाहिए ऐसा, लेकिन मैंने ये फील किया कि जी ये सिर्फ जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में आप कह लो, अमेरिका में, इंग्लैंड में ऐसा होता है कि कोई उठता नहीं है, यूरोप में। हाँ, यूरोप। और ये जी हम लोग पहुँचे, हमारे साथ ये सारे मिस्त्री भाई खड़े हैं,
ठीक है, और जहाज का कोई सीन भी नहीं है गेट शेट खुलने का, ठीक है, हमें भी खड़ा होना पड़ गया और सब खड़े हुए हैं, सबको निकलना है, तो ये बड़ी गलत बात है। इस चीज़ की मैं काफ़ी मजम्मत करता हूँ, मेरे भाई आप भी करना चाहते हैं मजम्मत? करते हैं सब, जब सब कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं। यूएन में करारदाद पेश करेंगे इसके बाद, ये डन हो गया, ये डन हो गया, लॉक करें ऑप्शन। चलें जी इंशाल्लाह फिर आगे आपको बताते हैं, अपडेट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग खैर खैरियत से पहुँच गए हैं और शर्मुल शेख एयरपोर्ट में हैं, अपना लगेज कलेक्ट करने के लिए खड़े हैं। तो लगेज अभी तक आया नहीं है, तो मैंने कहा कि एक वीडियो पे अपडेट दे दूँ आप लोगों को। तो भाई काफ़ी पॉजिटिविटी है, काफ़ी अच्छे वाइब्स हैं और बहुत अच्छा है, इन्वायरमेंट भी अच्छा है, ठंड ज़रा भी नहीं है, शुक्र है अल्लाह का जिस बात पे। ये हमारे भाई हैं भाई, प्यारे भाई, अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल। सलाम भाई, अपना इंट्रोडक्शन दें, दिखाएं लोगों को, बताएं अपना चेहरा मुबारक। भाई नाम समी है, काम पढ़ाई वाला है, इटली में होता हूँ, वो पाकिस्तानी दिल से भी और आए, 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 और सेकंड टाइम वर्ल्ड यूथ फोरम का लास्ट एडिशन भी था ये दवा भी, और बड़ी रौनक लगी है यार, सारी थकन सारी परेशानियाँ ये आ गया भाई। स्टूडेंट गेट पे जो वेबसाइट है ना, वो इस बंदे ने बताया कि इसकी है, पहले मुझे नहीं पता था कि ये रन करता है। अच्छा। और काफ़ी हेल्प की उसने, काफ़ी लोगों को भी पता चला और मैंने भी काफ़ी गाइडलाइन ली है, मैंने स्कॉलरशिप में रेफर इसी से करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सो अल्हम्दुलिल्लाह सुबह हो गई है, हम लोग अपने होटल पहुँच आए हैं, होटल का नाम मुझसे भूल गए, एक्वा रिजॉर्ट समथिंग है। पहले मैं आपको ज़रा रूम टूर करवाता हूँ, ठीक है, रूम चेक कर, ठीक है। तो ये हमारे पास एक वॉशरूम है, सो वॉशरूम आप देखें भाई कितना मज़े का, ठीक है, और मतलब टॉवल शावल भी पड़े हुए हैं और सब कुछ पड़ा हुआ है। सामने आपका भाई है, ठीक है, और ये हमारे पास कोरल सी रिजॉर्ट, ब्यूटी लोशन है, शैम्पू है, पता नहीं कौन सा, और ये हमारे पास है शावरिंग जेल और इस तरह का और भी पता नहीं बहुत कुछ पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इधर उधर ये सारा सीन है भाई, लेकिन क्लास है भाई, मतलब मज़ा आ गया। अच्छा मज़े की बात यह है कि मैंने तो जैकेट पहन लिया, मुझे नहीं पता बाहर क्या होगा, एसी लगा हुआ था सारी रात, ठीक है। तो ये हमारे पास रूम है, मज़े का कूजी और कम्फी, ठीक है। तो ये कुछ सामान पड़ा हुआ है मेरा भी और उनका भी, और सामने मैं हूँ, ठीक है, और आपको ज़रा बाहर का व्यू दिखाते हैं कि भाई बाहर क्या है, ठीक है, ये सरप्राइज रखते हैं इसको थोड़ा सा। मैं कमरे की तरफ कैमरा मोड़ देता हूँ कि आप लोगों को फिर नज़र आए, ठीक है। तो ये लें जी बाहर का सीन, ये बाहर का सीन है, आराम सुकून से। अच्छा मज़े की बात है कि भाई सूरज, इसके लिए हम लोग तरसे हुए थे जर्मनी में, सूरज बड़ा मज़े का है। और दूसरी बात ये कि मुझे जैकेट उतार देनी चाहिए, क्योंकि जैकेट वाली सर्दी नहीं है, ठीक है। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। भाई लंच से शुरुआत हुई है, ठीक है, और इतना मज़े का है ना भाई कि आप सब कुछ देख सकते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आपको सारी चीज़ें विज़िट करवाते हैं, दिखाते हैं। ये हमारे पास सैलड्स हैं, उमर भाई हाँ हाँ क्या बात है, फ्रेश वेजिटेबल हैं, फ्रेंच फ्राइज, ओह ओह ओह, और भाई फ्रेश भी बना देंगे आपको, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। इजिप्शियन कोशरी, कोशरी हाँ 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 क्या बात है, और बहुत कुछ है हमारे पास। इधर हमारे पास ये है, ओह ओह फ्रेश वेजिटेबल्स एवरीवेयर, बीफ भी है जी। और अब इसमें से क्या क्या टेस्ट करें ये तो आहिस्ता आहिस्ता ही पता चलेगा उमर भाई, सब कुछ आता रहेगा भाई, टेंशन नहीं है। अच्छा यहाँ पे फिश जो होती है ना वो बड़ी मज़े की होती है, फिश दिखाते हैं, चिकन भी है हमारे पास, फ्राइड चिकन भी है, हर किस्म की वही वेराइटी मौजूद है, इतने ज़्यादा खाने की तरह है भाई। अच्छा यहाँ पर फिश पे अभी थोड़ी सी आवाम खड़ी हुई है, वो
आती है तो सिर्फ हम नहीं है, बड़ी दुनिया उस पर टूट पड़ती है। बदनाम हम है भाई, हर किस्म के डेजर्ट्स, मतलब इस तरह के खाने आपको मिलते रहे सारी ज़िंदगी, क्या चाहिए और क्या चाहिए। हाँ, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे हैं। ऐसा ही है। अभी ये हमारे पास बड़ी मज़े की, सबसे जो मेरी फेवरेट है ना, वो यहाँ पर होती है ये आप खाओ। ओ हो 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 दबाई। उमर भाई ज़रा एक पीस उठाए ना, स्पून पड़ा हुआ है। ये देखें क्या बात है, वो प्लेट है, देखें प्लेट में रखते हैं। क्लोजअप ले लिया। नहीं क्लोजअप छोड़े, मैंने तो बगैर पकाए खा ली है, लेकिन है बहुत मज़े की, बहुत मज़े की। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो मैंने कहा जी थोड़ा सा होटल का भी व्यू दे दें आप लोगों को कि भाई होटल में कैसा है सब कुछ। तो ये होटल तो नहीं है, दिस इज़ अ रिजॉर्ट बेसिकली। तो व्यू दिखा दें आप लोगों को कि भाई व्यू कैसा है। बड़ा मज़े का सनसेट चल रहा है और बड़ी खूबसूरत जगह, मतलब काफ़ी सुकून है यहाँ पर। So this is Sharm el Sheikh, live sketching going on, और ये है नामा बे। एक अच्छी जगह है, मार्केट सी है, बाजार सा है, तकरीबन सब कुछ यहाँ पे है। जगह अच्छी है, मौसम भी अच्छा है, हल्की फुल्की ठंड है, बिल्कुल थोड़ी सी बस, जितनी ज़रूरत है उतनी ही ठंड है, उससे ज़्यादा नहीं है। और काफ़ी बेहतर माहौल है, तो मैंने सोचा ये जगह भी इसकी थोड़ी सी वीडियो बना दें, एनवायरनमेंट बता दें। अच्छा, ये इस फॉरम को साइड पे रखें। तो इसके अलावा किसान फैमिली के साथ जाता है, दुबई जाता है, आगे पीछे मुख्तलिफ जगहों पे, तो उससे अच्छा है मैं रिकमेंड करूँगा कि यार आप लोग इधर भी अगर आना चाहें तो आ सकते हैं। अच्छी वाइब है, अच्छी जगह है, और सारी ये सर्विस आपको पूरी दे रहे हैं। और मेरे ख़्याल से दुबई से कम एक्सपेंसिव है, दुबई थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव है इससे। ओवरऑल बहुत अच्छी जगह है। तो जी हम कांग्रेस हॉल पहुंच चुके हैं और आज है यहाँ पर मेरे ख्याल से वर्ल्ड यूथ थिएटर, आई थिंक यही है। खैर आपको जगह दिखाते हैं, एनवायरनमेंट दिखाते हैं। जैकेट पहनी हुई है मैंने इजिप्ट में, दुबई इतने मज़े के एसी हैं यहाँ के मज़े ही आ जाते हैं। इसके अलावा बहुत बड़ी जगह है, बड़ी खूबसूरत जगह है, और भाई इन्जॉयमेंट वाला माहौल है। अच्छा, और अगर जर्मनी होता तो सवाल ही नहीं पैदा होता था कि मैं यहाँ पे ये मास्क उतार के आराम सुकून से वीडियो बना सकूँगा। तो वीडियो तो नहीं बनाई मैंने, मतलब वीडियो तो बना ली है मैंने, लेकिन कहने का मकसद ये है कि मास्क मैंने उतारा हुआ तो कोई मसला ही नहीं है मुझे, ठीक है। तो इसके अलावा आपको थिएटर दिखाते हैं, पूरा फॉरम दिखाते हैं, मतलब पूरा कांग्रेस हॉल दिखाते हैं, और अंदर से भी आपको जो जो अच्छी अच्छी मुझे लगेंगी क्लिप्स वो भी दिखाएँगे, सब कुछ दिखाएँगे। तो हमारे साथ रहिए।
दुबई शर्म अल शेख में फिर रहे हैं। दरिया तो नहीं, सी के किनारे आए मैं, समंदर के। बड़ा मज़े का इन्वायरमेंट है, ठंडा पानी है, जहरीला पानी है, और धूप बड़ी मज़े की है। धूप फुल इन्जॉय कर रहे हैं, और धूप आप तो इन्जॉय करो तो मज़ा ही आ जाता है ना। और बड़ी मज़े की धूप है, और कल बारिश हुई है इधर। और यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं करने के लिए टूरिस्ट के लिए। यार जो बंदे दुबई जाते हैं ना, तो मैं तो कहूँगा इधर आओ। दुबई बहुत एक्सपेंसिव है और ये जगह बहुत चीप है। आपके पास अगर यूरोज़ हैं, डॉलर्स हैं, तो भाई फिर तो मसला ही नहीं है ना। मतलब आप 100 यूरो यहाँ पर एक्सचेंज कराओ तो एक हफ्ते बाद भी ख़त्म ही नहीं होंगे, ऐसा हो रहा है। So you're the sun.